एंड ये वीडियो आप लोग एक को देख रहे होंगे जब जिस टाइम में मैं किसी ना किसी फ्लाइट में होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मॉर्निंग का फ्लाइट है। एंड सेकंड पॉइंट इज दिस कि ये जो फ्लाइट है हमारा बैंगलोर से कनेक्टिंग दिया है, तो बैंगलोर से कनेक्टिंग दिया बट कहाँ दिया ये अभी तक मैं नहीं बताने वाला। तो अभी ये मैं उसी स्पॉट को देख सकता हूँ जहाँ पे उस दिन RC का एक्सीडेंट हुआ था। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी GoPro हैंग हो गया था इसलिए रुकना पड़ा था। एज यू गाइस नो दैट GoPro का ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है एंड हमें हमेशा फेस करना होता है ये चीज़। तो अभी मैं निकला हूँ भाई ज़ारा पे एंड एक्चुअली लास्ट वीडियो में आपने देखा था यार जो RC की एक्सीडेंट हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ मेजर उसमें चोट तो नहीं लगा था एंड बाइक में भी बहुत ही माइनर डैमेज हुई थी। तो बहुत लोगों ने इसमें बोला था कि भाई बाइकर की गलती थी, जो बाइक चला रहा था उसकी गलती थी। तो हाँ भाई गलती तो थी उसकी, वो थोड़ा मतलब कि उस टाइम उस सिचुएशन को समझ नहीं पाया और वहाँ पे ब्रेकर भी था जिसकी वजह से उसकी ब्रेक लेने के बावजूद बाइक कंट्रोल में नहीं हो पाई। बट कोई नहीं यार, होता है, इंसान से ही गलती होती है। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स बोरिंग रोड और प्लान हमारा बहुत ही अच्छा सेटअप हो चुका है सारा कुछ। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि मैं जाने वाला हूँ आउट ऑफ पटना और इस बार थोड़ा एक यूनिक प्लेस, मतलब जो कि अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है कि कहाँ जाने वाला हूँ। तो इस बारे में जा रहा हूँ थोड़ा ऐसा प्लेस जहाँ पे मतलब कि अभी तक शायद ही बिहार से मतलब उस जगह को जाकर किसी ने एक्सप्लोर किया हो। तो मैं और एक और है पटना के यूट्यूबर जो कि आप सब जानते होंगे उन्हें ज़रूर। तो चलो वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगी कि हम दोनों जा रहे हैं, जो वो दोनों कौन है। मैं तो मतलब ऑलरेडी हूँ आप सबका फेवरेट जो भी बोल लो भाई। तो बस देखते हैं। और अभी एक और चीज़ बताना कि मैं इन्फॉर्म आपको पहले इंस्टाग्राम पे करूँगा, तो गाइज जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ गाइज गो एंड फॉलो मी अप देयर, क्योंकि जो भी पोस्ट होते हैं एंड रीसेंट स्टोरीज होती है वो सब आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी। ऑल दो यू गाइज नो दैट यूट्यूब पे हर चीज़ एक दिन या दो दिन मिनिमम लेट आता है। तो चलो अभी आगे चलते हैं एंड फिर करते हैं बाकी की बात। तो भाई लोग अभी सीन ये है कि भाई देखो अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनसे मिलना है एंड बहुत सारे काम है जो छोटे छोटे वो सब कंप्लीट करना है क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमारा प्लान बना है। तो ये एक रीज़न है, तो इस वजह से इस चीज़ को हम लोग उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे कि यार कन्फर्म होगा नहीं होगा। बट एट द एंड मतलब समझ लो टुडे इज़ 30 जो मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ एंड ये वीडियो आप लोग एक को देख रहे होंगे जब जिस टाइम में मैं किसी ना किसी फ्लाइट में होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मॉर्निंग का फ्लाइट है। एंड सेकंड पॉइंट इज दिस कि ये जो फ्लाइट है हमारा बैंगलोर से कनेक्टिंग दिया है, तो बैंगलोर से कनेक्टिंग दिया बट कहाँ दिया ये अभी तक मैं नहीं बताने वाला। तो ये कनेक्टिंग वाला फ़्लाइट है तो भाई इट विल टेक अराउंड 8 to 9 hours। तो भाई 8 से 9 घंटे का फ्लाइट है, मतलब प्रॉपर जो ट्रैवल टाइम बोल सकते हो। ऑल्दो फ्लाइट में उतना देर तो नहीं बैठना होगा बट प्रॉपर ट्रैवल टाइम, चेक इन चेकआउट सब कुछ लेकर लगेज इधर से उधर जो होता है हर चीज़ में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो भाई देखते हैं क्या होता है, कैसा रहेगा कल का दिन। आई होप कि ये जो ट्रिप हो वो आप लोग को पसंद आए एंड आप लोग इसको सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिन से कि कुछ कुछ प्लेस जाकर मतलब आउट ऑफ बिहार जाकर भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बिहार में भी अब मैं एक्सप्लोर करूँगा, काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस है। तो देखते हैं कैसा रहेगा आगे का सफ़र, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। एंड ये देख सकते हो यार अभी मतलब यहाँ पे चेकिंग वगैरह बहुत कम हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग। पहले देख सकते थे भाई क्या चेकिंग होता था यार यहाँ पे, और पुलिस वाले फिर यहाँ पे बिना हेलमेट के एज़ यूजुअल यहाँ पे नॉर्मली दिख ही जाते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो पुलिस वालों का तो भाई चलान नहीं कटता बट हमारा ज़रूर कट जाता है, वो अलग बात है कि अभी तक कटा नहीं है क्योंकि आपका भाई कभी मतलब गलत होकर नहीं चलता या फिर गलत होकर बाइक नहीं चलाता। सारे डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट वगैरह जितना कुछ हो सब कुछ हमेशा रहता अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ एटलीस्ट हेलमेट अपने सेफ्टी के लिए वेयर कर लो, चलान के लिए मत करो बट अपने सेफ्टी के लिए तो भाई पहन लो। वरना भाई छोटा सा भी अगर एक्सीडेंट या छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट होता है, नो वन नोज़ यार कि कब किसके साथ क्या इंसिडेंट हो जाए, क्या एक्सीडेंट हो जाए।
और भाई यहाँ पे हो रही है बैग की चेकिंग, क्योंकि भाई बिहार में भी वेडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एंड यहाँ पे लीकर बैन है, तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ को लेकर चेकिंग हो रही है। तो अभी ये मैं उसी स्पॉट को देख सकता हूँ जहाँ पे उस दिन आरसी का एक्सीडेंट हुआ था, एंड अनलकीली कहो या फिर जो भी कहो, ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। होता है भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लोगों से, और कुछ भी नहीं। और भाई ठंड के टाइम में तो खास करके काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, थोड़ा सा भी आप गिरते हो तो। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ आप लोग कोई गलती मत करो, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों से गलती होगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है आपको, और उसके बाद आपके फैमिली को भी इसे फेस करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉपी, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ को कॉपी करने मत सोचो और करो भी मत। मैं ये चीज़ के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड अभी भाई इधर देखो यार ट्रैफिक, तो भी ऑनेस्ट जो मज़ा ट्रैफिक फिल्ट्रेशन में ज़ारा से आता ना, मतलब मुझे सीरियसली किसी और बाइक में नहीं आता है, इसका मज़ा बिल्कुल अलग है। और भाई यहाँ पे तो कुछ अलग ही लेवल का ट्रैफिक दिख रहा मुझे आज, इतना ज़्यादा तो नहीं होता था कभी। किस बात का ट्रैफिक है भाई। आई नो गाइज, यहाँ पे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होगा, और शाम के टाइम में भाई इस तरफ का एरिया तो मतलब पूछो ही मत, क्योंकि बहुत सारे वेडिंग हॉल्स एंड मैरिज हॉल्स वगैरह है इधर, तो इसको लेकर यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है इस एरिया में खास करके। हॉल तो मैं खुद 2-3 दिन से कंटिन्यूसली वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब इतने ज़्यादा इन्विटेशन आ रखे, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है। इट वॉज क्लोज। तो भाई ज़ारा में ये वाला जो फील है, मतलब इसकी हैंडल बहुत ही कॉम्पैक्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक और इसका एक रीज़न है, मैं डोमिनार चलाता हूँ, डोमिनार और इसको अगर कंपेयर करें ना तो इसकी हैंडल मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। डोमिनार की इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, और भाई उसको मतलब ऐसे ट्रैफिक में फ़िल्टर करने में बहुत दिक्कत होता है। एक चीज़ है उसमें सबसे अच्छा कि मतलब इनिशियल पंच काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से बाइक कहीं से भी निकल जाती है, लेकिन भाई वो सिर्फ डोमिनार में इनिशियल पंच से नहीं होती है, हैंडल भी होनी चाहिए यार। हैंडलिंग में अगर मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर इनिशियल पंच और पावर लेके ही आप क्या कर लोगे। एंड गाइस, ये वाला जो जैकेट मैंने पहन रखा ना, फ्लीस वाली, ये मैंने नेपाल से ख़रीदा था, एंड ये जैकेट इतनी अच्छी, लिटरली बता रहा हूँ इतनी अच्छी, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखा है, और भाई ठंड से मतलब मेरे को बिल्कुल बचाती है, और बिल्कुल ठंड भी नहीं लग रही मुझे। तो भाई अगर कोई नेपाल जाता हो तो यस, यू गाइस कैन गो एंड परचेज दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। ऑल दो मैं इस तरह बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार से काफ़ी पास में नेपाल, बाकी भाई आप लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेट से देखते हो तो उस चीज़ को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी अपने बिहार से अगर कोई भी नेपाल में जाते हो या फिर अगर कहीं से भी जाते हो तो आप लोग जाकर वहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ऑल दो बहुत चीप मार्केट नहीं बोलेंगे, बट बहुत ही क्वालिटी वाला मार्केट वहाँ पर, लाइक बहुत सारे आपको शॉपिंग मार्केट्स है वहाँ पर, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोरियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो सब आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड नेपाल का तो आप सब जानते हो कि भाई यहाँ का अगर 1 रुपीज़ है तो वहाँ 1.6 हो जाता है, तो सीधा 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाता है आपका मनी। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको वहाँ पे फील है कि भाई मैंने 10,000 रुपये लेके गया तो मेरे पास 16,000 रुपये आया, तो खर्च करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन भाई खर्च भी वैसे ही होते हैं, वहाँ के हर चीज़ इतने महंगे। और तो मैंने नेपाल का कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि भाई वो मैंने पर्सनल ट्रिप बना रखा था, तो आप सबको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट थोड़ा बहुत चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी मिलेगी, एंड प्राइस उतनी चीप नहीं होती है, बट आपको यहाँ से जाकर वहाँ पर एक्सपेंस करने में लगेगा हाँ यार इट्स नॉर्मल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर वो सब चीज़ आप लोग इंडिया में ख़रीदते हो तो या इट गोना टेक यू सो मच बक्स, और भाई वो क्वालिटी का तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला जिस क्वालिटी का हमने वहाँ लिया था। और भाई लोग घूमते घूमते अभी शाम हो गया, एंड अभी मैं हूँ नियर बाई सर्कुलर रोड, एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू टनल, अंडरग्राउंड टनल ओपन हुआ है, जो कि भाई ये बेली रोड में कनेक्ट करता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये टनल दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सको साफ साफ लिखा हुआ बोर्ड पे,
अल्टरनेट टनल रूट, ये अल्टरनेट रूट है और भी रूट्स है, बट ये जब न्यू है तो सोच रहे हैं कि आप लोग को ज़रूर इससे दिखाया जाए। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, हम दिखाते हैं। बहुत ही शॉर्ट टनल है, बट पता नहीं इसका क्या नीड है, पड़ा है, आई डोंट नो, बट मे बी इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर इसे बनाया गया हो, क्योंकि ट्रैफिक तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रही है पटना में। ये देखो बिल्कुल शॉर्ट टनल है जो कि कनेक्ट कर देती है सीधा बेली रोड को। अब लोग गाइस, तो गाइस बस आज की वीडियो को रखेंगे शॉर्ट एंड सिंपल सी। आज कोई रेस वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। आज आपको बस इन्फॉर्म करना था कि कल से जो वीडियो आएगी वो पूरी की पूरी ट्रैवलिंग के ऊपर रहेगी, मतलब ट्रैवल करूँगा मैं, जहाँ जहाँ जाऊँगा वो सारे प्लेसेस आप लोग को दिखाऊँगा एक्सप्लोर करके। एंड होपफुली कि ये सारा प्लान जो हमारा है वो सब अच्छे से सक्सेस हो पाए, एंड जिस तरीके से हमने सोचा है उस तरीके से ये सारा ट्रिप हम लोग का पूरा हो। आई होप कि आप लोग भी विशेस करो कि अच्छे से पूरा ट्रिप ख़त्म होकर अच्छे से वापस आ जाऊँ। एंड या चलो फिर मिलते हैं गाइस अगली ब्लॉग में, एंड बाय बाय एंड राइड सेफ़।